लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है ना है टीबी और टीबी रोग से बचाव और टीबी क्या होता है लोगों में बड़ी भ्रांतियां है। ये भी पब्लिक लेक्चर हमारे यहाँ बहुत जल्दी शुरू हुआ है, पहला 8 को हुआ था, डॉक्टर सरन साहब बैठकर उन्होंने दिया था। अब दूसरा ये लंग से संबंधित है, टीबी की बीमारी होती है। सर मेरे ख्याल से टीबी आप लोगों में ऐसा ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं सुना हो कि टीबी क्या चीज होती है। दोनों क्षेत्रों में बीमारी बढ़ी हुई है। ये हम एक हॉस्पिटल मेरा वार्ड से पहले किसी का मालिक था और देखिए उसका रोग काफी सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। आप खाली मैं रोज वहां देख लो, रोज काम करता, मुझे भी सलाम करने आता दूसरी को साहब में ठीक। तो इस तरह से कि आप देखिए ना, दोनों क्षेत्रों में कहीं जगह नहीं थी, ये नींद भी देवी ठीक हो गई। बस असर थे ये दवाई उसके फायदे से की। वही मैंने बताया लगभग इतना लोग करते हैं और एक दिन में लगभग 1000 लोग करते हैं, 3 मिनट में 2 डेथ ऐसा रिकॉर्ड की जाती है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, और कारण अभी भी इंडिया में सबसे ज्यादा अगर आपने बोला बोल चेक देखे तो 20-21% चाइना से भी ज्यादा मरीज हमारे देश में टीबी की मरीज का। इसलिए आप देखते हैं, आप परिवार में आप देखते होंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीबी से जा जरूर। नेक्स्ट, और एमडीआर टीबी में और आगे जो बढ़ा एमडीआर टीबी आगे जाओ आगे जाओ। जैसे ये देखिए एमडीआर टीबी में बात कर रहा था तो हमारे देश में ऐसा एस्टिमेट किया गया 90,000 हर साल एमडीआर टीबी के लोग पैदा हो रहे हैं। एमडीआर क्यों पैदा हो रहा है? कोई कारण दवा नहीं थी इसलिए लोग एमडीआर और एमडीआर के बाद आधे लोग। और एमडीआर की और बात करके जितना आप दवा खराब करोगे, जितनी बार दवा छोड़ छोड़ के करोगे, तो एमडीआर की भी आगे गई और जब और एमडीआर की बहुत और नेक्स्ट आगे बढ़ो आगे। और फिर अभी अभी एक फीडबैक चल रहा है, अभी अभी 2010 के पेपर पेपर में छपा के साहब ऐसे भी टीबी के बैक्टीरिया नोन हो गए हैं आप जिस पर कोई दवा से नहीं। आपको पता होगा 1950 से पहले टीबी का कोई दवा नहीं थी, तब जिसको टीबी हो जाती थी तो लोग समझते थे उसका अब इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं है, यानी उसको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो धीरे धीरे जब हम दवाई छोड़ पकड़ के पाएंगे तो वही दशा होती चली जा रही है कि हमारा बैक्टीरिया रास्ता बदल रहा है, रेजिस्टेंट हो रहा है और काफी लोग लग रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो यही नेक्स्ट यही इस बात को दिखाया गया है कि आज भगवान ने तो ऐसी टीबी जैसे कि उस फैक्ट्री में कोई अल्कोहल कोई शराब फूट पीता हो तो स्मोकिंग करता हो तो ये टीबी इससे बोर में नहीं, लेकिन ये कि अगर टीबी किसी को है अब ये सब चीज करना है तो इस टीबी होने का चांस बढ़ जाता है। और एक बार टीबी हो गई तो जो लोग सिगरेट तम्बाकू का सेवन करते हैं अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें टीबी फिर होने के चांस कम हो जाता है और वही लोग आज करते हैं। नेक्स्ट, और एक जैसे नेक्स्ट एक जैसे और है खास करके जो गाँव में जरूर बैठ चुके हैं तो गाँव में आप जो खाना बनाती है चूल्हे में क्या इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी ठंडा आदि वो चीजें, तो इसे हम बायोमास फ्यूल करते हैं। ये करते हैं एक तरह का है और ये भी बहुत सी बीमारियों का जरा एक भी डायरेक्ट इससे नहीं होती, लेकिन ऐसा देखा गया उन लोगों का रिसर्च करके देखा है कि जो लेडी बायोमास जो ठंडे और लकड़ी का खाना बनाती है और उनमें अगर टीबी हो गई है तो उनमें टीबी भयंकर होगी, टीबी ठीक होने का चांस कम। तो ये भी जो ये भी एक को फैक्टर की तरह डायरेक्ट नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं इससे जो है इसका लगाव है। जैसे खाना बन रहा है नेक्स्ट ये सब उपले करके सभी ये लोग गाँव में ज्यादा हिंदुस्तान में यूज होता है। नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट नेक्स्ट और तो ये इतने ही बात जैसे इंदौर में यही खास बैक्टीरिया से होता है, लेकिन ऐसे खूब रिसर्च हुए हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं और उनको टीबी होने का चांस ज्यादा है। पहली बात उनका रिश्ता बहुत ध्यान से, तो हमारे देश में ये भी बड़ी भ्रांति है
खासकर गांव में हमारे जन हमारे हमारे देश में सबसे ज्यादा भीड़ की जाती है, दिखता वैसे सिगरेट है, इस हर वाले सिगरेट दिखते हैं, टू थर्ड से ज्यादा जनता तो गाँव में रहती है और वही जनता भीड़ पीती है, तो बीड़ी पीने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। लोगों के दिमाग में कहा बीड़ी छोटी होती है, तंबाकू कम होता है, तो शायद कम नुकसानदायक है, ये खूब रिसर्च हो सके। जैसे एक स्टडी हुई, अगर किसी को सिर्फ जो है वो टीबी का इन्फेक्शन है, टीबी उसको होने के पूरी लाइफ टाइम में 10% चांस है, और किसी को टीबी और एचआईवी दोनों का इन्फेक्शन है तो उसका 6 गुना बढ़ जाता है, लगभग 60% हो जाता है। दो भ्रांतियां है, जैसे किसी को टीबी जो फैलने वाली टीबी है वो फेफड़े की टीबी होती है, लेकिन फेफड़े की टीबी से क्या होता है, आदमी खांसता है, खांसते में वो बैक्टीरिया बाहर निकलता है और जो उसके आसपास बैठा है वो इनहेल करके वो बैक्टीरिया उसके शरीर में जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए किसी को गिलटी की टीबी है, किसी को पेट की टीबी है, किसी को हड्डी की टीबी है, ये टीबी फैलेगी, तो फैलने वाली टीबी जो है वो फेफड़े वाली होती है जिसमें खांसी आती है। और टीबी जैसे मुझे बताया कि टीबी ऐसा कोई रोग नहीं शरीर का आपके लिए फिलहाल कि जहाँ टीबी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा काफी हद तक टीबी जिम्मेदार हो सकता है जल्दी बढ़ने के लिए। नेक्स्ट, जैसे ये हड्डियों में टीबी हो सकती है। नेक्स्ट, पानी में आया था, फेफड़ों में बहुत खुला होगा, पानी हो गया था, पानी में होड़ी टीबी की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, स्किन में भी टीबी हो सकती है। नेक्स्ट, तो दिमाग में टीबी हो सकती है। नेक्स्ट, पेट में टीबी हो सकती है। आप देख रहे हैं जो औरतों में और मेल्स में दोनों के अंदर ये कहीं भी बीमारी पेट के अंदर हो सकती है, कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ टीबी नहीं हो सकती होता है। और नेक्स्ट, और ऐसे टीबी जहाँ होगी, अगर खांसी आ रही फेफड़े की टीबी है, खांसी तो आपके से ज्यादा आ रही है, तो टीबी ये जरूरी नहीं कि जिसको तो आपके से ज्यादा खांसी हो रही है उसको सबको ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये टीबी होने की संभावना बढ़ती है। और हम लोग हमेशा कहते हैं ऐसे आदमी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, जाके जांच करना चाहिए जिससे टीबी का जल्दी से जल्दी पता लग जाए। डायग्नोसिस टीबी के बहुत तरीके हैं, इसमें बहुत नाम लिखे हैं, मैं नहीं जाऊँगा कोई डिटेल में, लेकिन जो मेन डायग्नोसिस होता है, मेन होता है, वो होता है बल्बम की जांच से। अभी नया रिवाइज हो गया है, पहले लोग एक्सरे पे ज्यादा डिपेंड करते थे, लेकिन अब बल्बम की जांच ज्यादा डिपेंड करती है, लेकिन बल्बम की जांच अगर 3 आदमी आई थी उसमें वो हम लोगों ने किया क्या कि जितने हमारे मरीज हमारे पास आते थे आउटडोर में उनका हमने एक्सरे ले लिया और एक्सरे के बाद उसका पूरा हमने वर्कअप किया कि इसको क्या बीमारी है, तो ऐसा पाया हम लोगों ने आधे से ज्यादा एक्सरे में गलत लिखा हुआ, यानी उसको बीमारी नहीं है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बलगम वाली जांच ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू एक्सरे। नेक्स्ट, ये संदेह कह रहा है कि लगभग 67% एक्सरे वाले एक्सरे ठीक से हुए नहीं, जब ठीक से होगा नहीं काम क्या पड़ेगा, और जो हुआ भी तो उसमें आधे से ज्यादा लोगों की रिपोर्टें जो है बीमारी कुछ और पैतालीस कौन सी सेल है डायग्नोसिस में हो जाती है एक दिन के अंदर। अभी नए नए टेस्ट भी टीबी के लिए आ रहे हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब ऐसा टीबी के टेस्ट आ गए हैं जीन बेस्ड पे डीएनए बेस्ड पे कि 100-100 मिनट के अंदर टीबी का ये भी पता लग जाएगा कि उसको सेंसिटिव टीबी है या एमडीआरटी। जैसे अभी एमडीआरटी की डायग्नोस करने के लिए हमें 4 से 6 महीने चाहिए थी, अभी 2008 में ये टेस्ट डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव कर दिया कि 2 दिन में एमडीआरटी की डायग्नोसिस हो जाएगी, हम लोग यही नहीं रुके हैं। नेक्स्ट, अभी आप देखोगे कहीं 100 मिनट्स में जो है एमडीआरटी डायग्नोसिस, ऑलरेडी यहाँ काफी टेस्ट हो रहे हैं, इंडिया में भी चल रहे हैं और बहुत जल्दी ही जितनी खराब किस्म की टीबी है उसकी डायग्नोसिस बहुत जल्दी से होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट के बारे में मैं मुझे 2-3 बातें कहनी है। पहले जब टीबी का इलाज नहीं था तो लोग टीबी ठीक कैसे करते थे, लोग जाते थे सैनिटोरियम में, वहाँ अच्छा खाना मिलता था और रेस्ट मिलता था, अच्छी हवा मिलती थी, तो लगभग एक
एक तिहाई लोग ठीक रहे, लेकिन उसमें शायद खाने रेस्ट इसका नहीं था, वो उसकी अपनी इम्यूनिटी थी इंसान की जिससे वो ठीक हो जाए। तो अब वो भ्रांति आज भी चल रही है। आज भी हमने देखा है कि लोग दवा नहीं खाएंगे, एक्स्ट्रा डाइट जरूर खाएंगे। हर आदमी पूछता था अंडा खाओ, मछली खाओ, किसमिस खाओ, काजू खाओ, मनार खाओ, हर मरीज पूछता है और कभी भी इस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन सारी स्टडी हो चुकी है, जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो दवा है और दवा का ठीक से लेना। वो सब चीजें खाना रेस्ट वो एक एडिशनल चीज है, उतना ही खाना जरूरत है पीने के लिए जितना जितना इंसान जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। छह महीने थोड़ा और खराब हुआ तो नौ महीने का, थोड़ा और गड़बड़ हुआ एनडीआर हो गया तो दो साल का लाइफ, और एसडीआर हो गया और गड़बड़ हो गया तो ढाई से तीन साल का लाइफ हो सकता है। लेकिन आप देखें मेजॉरिटी टीवी जो है वो सेंसिटिव है, भगवान ने सिर्फ सेंसिटिविटी दी, भगवान ये डायलिस्ट है तो हम ही यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। या तो आप दवा नहीं ठीक से खा रहे हैं या हम डॉक्टरों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो दवाई ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, तो इन्हीं कारणों से ये सब हो रहा है। तो दवा को रेगुलर खाना और कितना समय ज्यादा टीबी के मरीज का ट्रीटमेंट हो चुका है, 2 मिलियन ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई जा चुकी है और अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बस हमारी रिक्वेस्ट आपसे पब्लिक से ये है कि इस प्रोग्राम में जहाँ भी है जा के पार्टिसिपेट करें, किसी को ऐसी तकलीफ है तो वहाँ जाए और उस सुविधा का लाभ उठाए।